गोदरेज सीपी और पिरामिल एंटरप्राइजेस आज वायदा बाजार के दो ऐसे शेयर्स हैं जहां पे अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। पिरामिल तो खैर कल से इंडिकेट कर रहा था कि वो चल सकता है आज 3-3.5% ऊपर, और गोदरेज सीपी के अंदर भी अच्छा मूव है। सर, आपका व्यू पॉइंट इन दोनों शेयर्स पर? बिल्कुल जी, दोनों पे ही बात करूंगा। जहां गोदरेज सीपी मुझे दिखाई दे रहा है, एक सेक्टर में बहुत डेड सेक्टर था ये, काफी साइडवेज टू डाउन चल रहा था, बहुत हैमर्ड डाउन सेक्टर था, जिसमें एक अच्छा बाउंस बेस बनने के बाद अभी आ रहा है। एक वीकर मार्केट में ये सेक्टर अच्छा बाउंस दिखा रहा है, तो इसमें जो स्टॉक गोदरेज कंज्यूमर है वो थोड़ा सा मुझे वीक लग रहा है। तो इन दोनों में मैं जब देखता हूँ तो मुझे पिरामल ज्यादा बेहतर लग रहा है। बहुत बेसिक पैटर्न इसका बना हुआ मुझे लग रहा है, एक अच्छा डबल बॉटम होने के बाद ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ रहा है, वॉल्यूम जिसमें पिकअप हो रहे हैं, तो मैं इसके साथ जाना चाहूंगा। करीबन अभी ये 2110-2120 की रेंज में चल रहा है, तो इसमें मैं खरीदारी की राय दूंगा। और इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो मैं फिलहाल रखना चाहूंगा 2075 में, 2075। और इसका जो टारगेट होगा वो मैं यहाँ से देख रहा हूँ करीबन और 150 पॉइंट, यानी करीबन 2300 के आसपास। तो मुझे रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से इन दोनों में पिरामल काफी अच्छा लग रहा है। ठीक है, पिरामिल एंटरप्राइजेस पे आपका व्यू पॉइंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक बार पिरामिल के चार्ट भी दिखा देते हैं आपको स्क्रीन पर। बेस, जिस बेस की बात हो रही है उसमें दो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है आपकी स्क्रीन पर, वो आ जाएगा। वो ऑब्जर्वेशन है क्या, ये डेली चार्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जहाँ पे मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है। टिपिकली ये मार्केट का इस समय बेस है, यानी कि पिरामिल एंटरप्राइजेस का बेस है। ऑल दो हम वेव के बेसिस पर हमने दोनों ही एवरेज को ब्रेक किया डेली चार्ट पर, हम 50 दिन की और 200 दिन की एवरेज, यानी कि टिपिकली हम इसके नीचे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि शेयर टूट तो जाते हैं लेकिन पुल बैक तभी देंगे जब पहले बेस बनाएंगे। बेस फॉर्मेशन कम से कम आप उसको ब्रैकेट में दिख रहा होगा। एक और चीज़ जो आप नोटिस कर रहे होंगे वो है वॉल्यूम। पहले आपने स्क्वीजिंग देखा, रेड कैंडल्स देखी हैं, अब अगर आप इस बॉक्स के बाद वाला हिस्सा देखेंगे तो आपको ग्रीन कैंडल्स ज़्यादा दिखेंगी और वॉल्यूम एकाएक बढ़ भी गया है। ये जो हम कह रहे थे कि कल से आपको सिग्नल मिल रहे हैं, कल की आप क्लोजिंग देखिए और आज की आप ओपनिंग देखिए डेली बेसिस पर, यानी कि हर एक कैंडल एक एक दिन की है, तो कल का क्लोज अच्छा, आज का ओपन अच्छा, ये बैक टू बैक पुल बैक का सौदा है। कहाँ तक जा सकता है, कम से कम 50 दिन और 200 दिन के एवरेज तक जाएगा। और 50 दिन का और 200 दिन का जो क्रॉस ओवर है जिसको हम गोल्डन क्रॉस कहते हैं, वो भी आपको सामने दिख रहा है, इसलिए कन्विक्शन ज्यादा है। ऑल दो एक पुलबैक का ट्रेड है, इसलिए छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस, छोटे छोटे टारगेट रख के आप ट्रेड करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। पिरामिल एंटरप्राइज का एक बार स्टॉप लॉस और टारगेट वापस स्क्रीन पर लेके आते हैं, आप नोटिस कीजिएगा। दो शेयर हमने सर के सामने रखे थे कि आप यहां पे चुन लीजिए, गोदरेज सीपी या फिर पिरामिल, और उनका चुनाव गोदरेज सीपी नहीं बल्कि पिरामिल एंटरप्राइज है। 2300 का टारगेट, 2075 का स्टॉप लॉस है। शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर, बर्जर पेंट, क्रूड टूटा है इसलिए इसका चलना स्वाभाविक था, आज शॉर्ट्स कुछ कवर हुए हैं। दूसरा मेट्रोपॉलिसिस, वापस से लैब वाली कंपनीज शुरू हो गई हैं, चाहे डॉक्टर लाल पैथ लैब हो, चाहे मेट्रोपॉलिसिस हो, चाहे अपोलो हॉस्पिटल्स हो, लिंडे इंडिया हो, इस सब के साथ फिर से तेज़ी से ऊपर आने लग गए हैं। इन दोनों पर आपका रिकमेंडेशन, बर्जर पेंट और मेट्रोपॉलिसिस पे? बात दोनों पे करूंगा, रिकमेंडेशन एक पे दूंगा। मेट्रोपॉलिस जब मैं देखता हूँ, एक बेसिक रूल होता है टेक्निकल्स का, जी आपकी जो हायर टाइम फ्रेम है वो आपकी लोअर टाइम फ्रेम को उसी डायरेक्शन में ले जाती है। तो जब मैं इन दोनों को देखता हूँ, मेट्रोपॉलिस की हायर टाइम फ्रेम काफी ज्यादा बेरिश है, मैं जब वीकली देख रहा हूँ ये क्लियर डाउन ट्रेंड में है, और अप ट्रेंड जो डेली टाइम फ्रेम है वो एक छोटी सी रैली दे रहा है, तो ये रैली मेरे हिसाब से रैली टू सेल भी हो सकती है, तो मैं इसमें से थोड़ा दूर रहना चाहूंगा। इसी के साथ मैं जब बर्जर पेंट पे देख रहा हूँ तो मुझे ये डेफिनेटली पता है कि काफी लोग क्रूड की वजह से एशियन पेंट, बर्जर पेंट और पीडीलाइट में लॉन्ग रखे हुए हैं, तो मेरी इसमें एक राय कि हम फिलहाल एक रेजिस्टेंस के करीब जा रहे हैं, यानी एक बहुत बड़ा गैप रेजिस्टेंस है। उसी के साथ जो 3 तारीख को, यानी 10 मार्च को जो कैंडल बनी हुई थी उसमें बहुत ही हाई वॉल्यूम है, मेरे हिसाब से वो एक मेक और ब्रेक है। तो ये स्टॉक अगर करीबन 710 के ऊपर निकल जाए ये बहुत तेज हो जाएगा, बहुत मोमेंटम आएगा इसमें, और लोअर साइड पे इसको एक क्लियर स्टॉप लॉस है 665। तो इसमें निवेशित रहने की मेरी राय होगी, स्टॉप लॉस आपको क्लियर कट मेंटेन करना है 660 पे 660, और इसमें पोजीशन आपको ऐड करनी है जब ये 710 के ऊपर निकल जाए, तो मेरे हिसाब से उसके बाद आपको तुरंत ही 745 से 750 के टारगेट मिल सकते हैं। तो मेट्रोपॉलिस और बर्जर पेंट, इसमें मेरा जो चुनाव होगा वो डेफिनेटली हायर टाइम फ्रेम के साथ रहते हुए बर्जर पेंट का ही होगा। 710-745 सर, इन्हीं लेवल्स पे लेना है या फिर कोई एक कंडीशन देना चाहते हैं इसमें आप? नहीं, हम यहाँ से ले सकते हैं, हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो क्लियर 660 होगा, 710 के ऊपर आप एग्रेसिव ऐड भी कर सकते हो और आपका टारगेट 745 हो जाएगा। ठीक है, आपके लिए टारगेट होंगे 710-745, दो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो आपके सामने रखना